आयकर विभाग के द्वारा टैक्स भरने के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है। मार्च से पहले हर कोई ऐसे इंतजाम करने में लगा है जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स की सेविंग की जा सके। ऐसे में काफी लोग इस बात से भी परेशान हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरे या नए टैक्स रिजीम में उनके लिए कौन सा बेस्ट है। ऐसे में आपकी मदद करने वाले हैं। केंद्र सरकार के द्वारा साल 2022 बजट में नया टैक्स रिजीम लाया गया था। सी अंकित माहेश्वरी बताते हैं कि दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करने के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, मगर आपकी आय के अनुसार आपको तय करना चाहिए कि किस रिजीम में टैक्स भरने से आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। इससे पहले समझना जरूरी है कि दोनों टैक्स रिजीम किस हिसाब से टैक्स की देनदारी करते हैं। और आयकर विभाग के द्वारा नया टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम माना जाता है। अगर आपकी आय 7 लाख रुपए से कम है तो आपको नया टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहिए। इसमें 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। पिछले साल बजट में केंद्र सरकार ने लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दिया था और इससे ऊपर 9 लाख तक की आय पर आपको 10% का छूट देना होगा। और आयकर के नियम के अनुसार देनदारी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट भी मिलता है। इसके साथ ही 15 लाख से कम इनकम वालों को भी नए टैक्स रिजीम में टैक्स भरने से ज्यादा बचत होगा। नया टैक्स रिजीम को सरकार के द्वारा ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। हालांकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहते हैं तो 5.50 लाख रुपए तक की आय पर इसमें टैक्स फ्री है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।